हेलो, वेलकम यू ऑल इन डिजिटल क्लासरूम। बहुत से पेरेंट हमारे जो है ईमेल को सेंड नहीं कर पा रहे हैं, वो व्हाट्सएप के थ्रू अपने होमवर्क को सेंड कर रहे हैं, बट व्हाट्सएप में भेजने से क्या होगा, वो बहुत सारा डाटा कलेक्ट हो जाएगा, इससे वो कन्फ्यूज़न हो जाएगी उसमें डिफाइन करने में ये कब का आपका होमवर्क आया है। सो हमें अपने होमवर्क को जीमेल के थ्रू अपने टीचर्स की आईडी पर सेंड करना है। सो, इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि अपने बच्चे के होमवर्क को हम अपनी टीचर्स के ईमेल पर कैसे सेंड कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, इस चीज़ के लिए आपको अपने मोबाइल के कैमरे का यूज़ करना होगा। सबसे पहले अपने मोबाइल के कैमरे का यूज़ करके हम अपने बच्चे के होमवर्क की पिक्स जो है क्लिक कर लेंगे, लाइक दिस। पिक क्लिक करने के बाद हम बैक आएंगे और चेक करेंगे कि ये सारी पिक्चर्स जो आपने क्लिक की हैं ये गैलरी में सेव हो गई हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ पर हमारी सारी पिक्चर्स गैलरी में सेव हो गई हैं। आफ्टर दैट हम बैक आएंगे और अपने मोबाइल में गूगल ऐप्स को क्लिक करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर राइट अपर कॉर्नर में यहाँ पर गूगल का फोल्डर बना हुआ है, इसको जब हम क्लिक करते हैं तो यहाँ हमको जीमेल का ऑप्शन दिखता है। सो हमको जीमेल की ऐप को पहले ओपन करना है, लाइक दिस। उसके बाद हमको ईमेल को सेंड करने के लिए कंपोज ईमेल करना है, जो कि आपको राइट बॉटम कॉर्नर में आपको एक प्लस का साइन बन के नजर आ रहा होगा। इस प्लस के साइन को हमको क्लिक करना है। प्लस के साइन को क्लिक करते ही आपके सामने ये विंडो खुल के आ जाएगी और इस विंडो में फ्रॉम ऊपर लिखा हुआ है फ्रॉम, जो यहाँ पर मेरी आईडी दी रखी है। उसके बाद जिस भी मैम को हमको अपना होमवर्क सेंड करना है उनकी ईमेल आईडी को हम यहाँ पर टाइप करेंगे। फॉर एग्जांपल, इफ़ वी नीड टू सेंड आवर होमवर्क टू मेधा मैम, सो इसके लिए हमको टू वाले कॉलम में जहाँ लिखा है टू, वहाँ पर हमको मेधा मैम की ईमेल आईडी को टाइप करना होगा, लाइक दिस। तो हमने मैम की आईडी को यहाँ पर फिल कर दिया है। उसके बाद हम सब्जेक्ट वाले कॉलम में आएंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम अपना सब्जेक्ट का नेम और क्लास को मेंशन कर देंगे, जस्ट लाइक दिस। आफ्टर दैट हम कंपोज ईमेल वाले ऑप्शन में आएंगे। उसके बाद यहाँ पर हम डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अपने बारे में उसमें टाइप करेंगे, लाइक स्टूडेंट नेम, आफ्टर दैट क्लास, आफ्टर दैट सब्जेक्ट, आफ्टर दैट होमवर्क फॉर डेट, यहाँ पर हम आज की डेट को मेंशन कर देंगे, इसके बाद हमको अपनी होमवर्क की इमेजेस को इस मेल में अटैच करना है। तो इसके लिए हम राइट अपर कॉर्नर में एक ब्लू एरो देख रहे हैं, इस ब्लू एरो के बगल में एक पिन ऑप्शन है, तो उस पिन ऑप्शन को जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो वहाँ आपको ये दो ऑप्शन नज़र आते हैं, अटैच फाइल एंड इंसर्ट फ्रॉम ड्राइव। तो हमको अटैच फाइल पर क्लिक करना है। अटैच फाइल पर क्लिक करते ही आपको अपनी सारी इमेजेस जो आपने अपने बच्चे की होमवर्क को क्लिक किया है वो आपको यहाँ दिखना शुरू हो जाएगा। उसके बाद हमको यहाँ पर अपने बच्चे के होमवर्क को सेलेक्ट करना है इस तरह। उसके बाद राइट अपर कॉर्नर में ओपन ऑप्शन को क्लिक कर देना है, लाइक दिस। तो अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर सारी इमेजेस हमारी इस मेल में अटैच हो गई हैं। सो फाइनली हमको राइट अपर कॉर्नर में
ब्लू एरो जो आपको शो हो रहा है उसे क्लिक करना है और आपकी मेल सेंड हो जा रही है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये हमारी मेल मैम को सेंड हो चुकी है।